सारे भाइयों को जय देव, जय मां भवानी और जय सत धर्म। तो भाइयों, बीजेपी आरएसएस ने बानी असेंबली सीट पर क्षत्रियों को धोखा दिया, लेकिन कांग्रेस ने वहां पर राजपूत कार्ड खेल दिया है। तो भाइयों, हमने आपको पहले भी बताया कि कठुआ जिले, जहां पर पिछली बार 2014 में जब चुनाव हुए थे, तीन क्षत्रिय एमएलए बने थे और वो तीनों बीजेपी से बने थे, लेकिन बीजेपी की 370 तोड़ने के बाद, जैसे भारत की राजनीति में करता है, ऐसे ही जहां राजनीति लागू की और क्षत्रियों की एक टिकट काट दी बिलावर की, जहां से पिछली बार डॉक्टर निर्मल सिंह चुनाव जीतकर सामने आए थे। तो भाइयों, वो वाली टिकट काट दी जो क्षत्रियों की पैट टिकट है, रियासत रही है बिलावर क्षत्रियों की, और सिर्फ बसोली और इसके अलावा जसरोटा की टिकट ही दी। लेकिन कांग्रेस ने उनसे भी आगे बढ़कर कठुआ जिले से तीन टिकटें दे दी। तो जहां पर 60% आबादी क्षत्रियों की हो, तो वहां पर एक तरफा सिर्फ क्षत्रिय 10% भी बीजेपी तरफ चले जाएं, 50% भी दे दें, फिर भी जीत आएंगे। टोटल 60-70 हज़ार वोट हैं बानी असेंबली सीट पर, उसमें 35-40 हज़ार वोट क्षत्रियों के हैं। क्षत्रिय डोमिनेटेड सीट है कि 50% से भी ज़्यादा है, तो बाकी कौमें भी सभी इकट्ठी हो जाएं, अगर क्षत्रिय भी इकट्ठे होकर वोट डाल दें तो वो जीत जाएंगे। लेकिन क्षत्रिय इकट्ठे नहीं होते, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अगर 30% भी वोट डाल दोगे ना, तो फिर भी जहाँ से हमारी क्षत्रानी बहन काजल राजपूत जीत कर सामने आ जाएगी। चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसे ही सिर्फ अपनी कौम के लिए आवाज़ उठाते रहें, जो कि मेरे लिए सबसे पहले अपनी कौम है। तो आप हमें नीचे दिए सिक्योर कोड से स्क्रीनशॉट लेकर, जिस भी बाई से जितना होता है, 20, 50, 100, 500, 200 जितना भी होता है, तो आप सभी ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि हम क्षत्रिय समाज पर आगे भी वीडियो बनाते रहें ऐसे इतिहास को लेकर।